तो रेसलमेनिया WWE का सबसे बड़ा पेपरव्यू माना जाता है और उसका एक और नाम लोग बुलाते हैं, वो है द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। अब इसका रीजन ऑब्वियसली इतनी सारी कमाल की मोमेंट्स हैं जो ओवर द इयर्स हमें रेसलमेनिया में देखने को मिली हैं, लेकिन एक और रीजन है इसके पीछे गाइस, और वो ये है कि अगर इस स्टेज के ऊपर किसी को मौका दिया जाता है और वो उस मौके का फायदा उठा ले तो उससे बड़ी स्टेज उसके लिए हो नहीं सकती। अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दूं तो रेसलमेनिया 36 की हम बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर की, वो वहां पे ब्रॉक लेसनर से जिस तरीके से जीते उसके बाद उनका करियर कितना ज्यादा आगे चला गया। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है गाइस कि WWE ने सुपरस्टार्स को विक्ट्री तो दी रेसलमेनिया में, लेकिन उनका करियर वहां से आगे नहीं बढ़ पाया और उस पुश का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे 8 सुपरस्टार्स की आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। जानने के लिए आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाली है एक और टॉप 10 वीडियो तो नहीं लेकिन एक लिस्ट वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई हमारी पूरी प्लेलिस्ट है टॉप 10 की, 150 वीडियोस ऑलमोस्ट होने वाली है, नॉलेज ही नॉलेज भरी हुई है। अगर आपको जाके चेकआउट करनी है अलग अलग टाइप की टॉप 10 वीडियोस तो लिंक विल बी डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया रेसलमेनिया आने वाली है, इसके हम काफी सारे टॉप 10 बना रहे हैं तो इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आ रहा है, इस चैनल पर आप सब्सक्राइब भी कर लें। रेसलमेनिया में अगर किसी सुपरस्टार को और वो भी एक ऐसे स्टार को जिसको एक पुश की जरूरत है उसको बड़ी विक्ट्री दे दी जाए तो वह क्या ही मात है। और हम नंबर 8 से यहां पे स्टार्ट करते हैं, नाम आता है फैंडैंगो का। जब वो WWE में आए थे कोई भी उनको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन WWE ने उनको बुक करा था इन अ मैच अगेंस्ट क्रिस जेरिको एट रेसलमेनिया 29। और यहां पे लोग सोच रहे थे कि जेरिको जैसे बड़े स्टार को ऐसे मैच में क्यों डाला गया, और उसका रीजन हमें इस मैच के खत्म होने के बाद मिला था क्योंकि फैंडैंगो ने गाइस एक सरप्राइजिंग तरीके से यहां पे जेरिको को हरा दिया था। और वही वो नाइट थी जब उनका ये थीम सॉन्ग जो है इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि लोग उस पे नाचना शुरू कर चुके थे। तो डेफिनेटली WWE के पास मौका था कि वो सुपरस्टार को वहां पे पुश करें और फैंडैंगो का करियर आगे बढ़ सकता था, लेकिन क्या वैसा मेन रोस्टर पे हो पाया? नहीं हुआ। और आज की डेट में वो NXT के अंदर लड़ रहे हैं, तो वो एक पॉइंट था डेफिनेटली जो कि WWE ने मिस कर दिया, और एक बड़ी रेसलमेनिया विक्ट्री भी फैंडैंगो के करियर के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहां पे एक रीसेंट एग्जांपल है और वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। रेसलमेनिया 36 के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन कभी भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच का पार्ट नहीं थे और शायद इसी वजह से उनके करियर के लिए ये विन ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। उनको गोल्डबर्ग के साथ एक मैच में डाल दिया गया जहां पे वो उनको हरा गए, और भाई लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था कि गोल्डबर्ग इतनी इजीली हार जाएंगे जितनी इजीली ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनको हरा दिया। और आई थिंक जिस तरीके से वो विक्ट्री बुक करी गई थी, जिस तरीके से स्ट्रोमैन को दिखाया गया था, लोगों को उस पॉइंट पे स्ट्रोमैन में उतना इंटरेस्ट नहीं था। और एज अ चैंपियन लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा था कि हां स्ट्रोमैन शायद कुछ बढ़िया कर सकता है, लेकिन WWE की बुकिंग कुछ ऐसी रही कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को लोग अभी भी सीरियसली लेते नहीं है। और वो एक मौका था उनको रिपेयर करने का, उनको एक बार नई चीज में डालने का, लेकिन वहां से भी उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस तो यहां पे आते हैं मिस्टर केनेडी, जो कि एक स्टार स्टडीड मनी इन द बैंक लैडर मैच का पार्ट थे। उसमें CM Punk, एज, रैंडी ऑर्टन सभी लोग थे, लेकिन विनर कौन था? वो थे मिस्टर केनेडी। WWE ने सोच रखा था कि इस बंदे में कुछ तो ऐसा है कि अगर हम इसको एक मनी इन द बैंक की विक्ट्री देते हैं तो फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिस्टर केनेडी को कुछ इंजरी हुई और WWE ने अपना क्रिएटिव डिसीजन चेंज कर लिया, और बाद में पता लगा कि वो इंजरी इतनी सीरियस भी नहीं थी। लेकिन एज को WWE ने यहां पे मनी इन द बैंक जितवा दिया था मिस्टर केनेडी से, कुछ वैसे ही जैसे इस बार हमने देखा मिज ने ओटिस से मनी इन द बैंक जीता, और वहां पे जो है मिस्टर केनेडी का पूरा पुश नीचे गिर गया और उसके बाद कभी भी उनको मौका नहीं मिला कि वो टॉप लेवल तक आगे पहुंच पाए। तो उस टाइम पे रेसलमेनिया 23 में उनके लिए वो बहुत बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए वो काम नहीं कर पाई। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस तो यहां पे नाम आता है जैक राइडर का। और एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं एक स्टार स्टडीड लैडर मैच की, और इस बार ये मैच था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 32। आई डोंट थिंक कि जब कोई प्रेडिक्शन कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि क्लियर कट चांस है कि जैक राइडर इस मैच को जीत सकते हैं, लेकिन वो उनकी रेसलमेनिया मोमेंट थी, प्रोबेबली उनके करियर की सबसे बढ़िया मोमेंट थी जब 1,00,000 लोगों के सामने वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे। तो WWE के पास फाइनली मौका था कि जैक राइडर को एक ऐसे सुपरस्टार को जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली लोगों के साथ हमेशा से ही पॉपुलर रहा था, एक ऐसा स्टार जिसके अंदर कैरिज्मा है, जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऑन स्क्रीन, उसको थोड़ा सा वो मौका दें। लेकिन नेक्स्ट नाइट ही मंडे नाइट रॉ के ऊपर उन्होंने अपना टाइटल ड्रॉप कर दिया था, और उसी समय WWE ने इस चीज को दिखा दिया था कि भाई इसको मोमेंट तो हमने
इसकी दे दी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए थी ताकि वहां पे क्राउड खुश हो जाए और लोग रेसलमेनिया की तारीफ करें, लेकिन हमारे लिए एक्चुअली इसके कोई प्लान्स नहीं है। और यहाँ पे गाइस जैक राइडर को टाइटल हरवा दिया गया। नंबर 4 की अब हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है मैट हार्डी का, और ये जिस मैच की मैं बात कर रहा हूँ ये रेसलमेनिया 25 के अंदर हुआ था, जो कि अपने आप में कमाल का पेपरव्यू था। और ये कोई नॉर्मल बंदे के साथ उनका मैच नहीं था, बल्कि खुद के भाई यानी कि जेफ हार्डी के साथ था। और इस मैच को इस तरीके से बुक करा गया था कि इससे पहले मैट हार्डी को लोग एज ए सिंगल सुपरस्टार ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के अगेंस्ट हील टर्न करा, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग बन गई थी और लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि मैच में एट द एंड जेफ हार्डी जीतने वाला है और वो अपने भाई पे रिवेंज ले लेगा, स्टोरी लाइन को वैसे ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन गाइस WWE ने यहां पे क्राउड को बिल्कुल शॉक कर दिया था जब मैट हार्डी ने अपने भाई जेफ हार्डी को हराया और रेसलमेनिया 25 में उन्होंने विक्ट्री हासिल करी। तो ये बात तो हम जानते हैं कि जेफ हार्डी हमेशा से ही एज ए सिंगल सुपरस्टार भी पॉपुलर रहे, लेकिन मैट हार्डी गाइस जैसा कि मैंने कहा उतने पॉपुलर नहीं थे। और ये वो ऐसा मौका लग रहा था जिससे मैट हार्डी का करियर आगे जा सकता है और उनको टैग टीम की जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी टू सक्सीड इन द WWE। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैट हार्डी को यहाँ पे जो स्टोरी लाइन दी गई थी वो तो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके जस्ट बाद जो उनकी बुकिंग थी वो इतनी खास नहीं थी और वो एक बार फिर से जो है वो टैग टीम का ही पार्ट बन गए थे। तो कहीं ना कहीं WWE के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि वो मिस कर गए और उस पॉइंट पे मैट हार्डी का करियर उतना आगे नहीं बढ़ पाया। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है बॉबी लैशली का, जो कि इतने सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली इस साल WWE चैंपियन बन पाए। 16-17 साल उनको लग गए WWE में आके वो वापस गए, उसके बाद उन्होंने वहां से बाहर जाके भी अपना नाम बनाया, एक बार फिर से वो वापस आए और फाइनली WWE को रियलाइज हुआ कि ये बंदा जो है हमारा टॉप चैंपियन भी बन सकता है। लेकिन एक ऐसा मौका उनके पास पहले भी आया था और ये था ड्यूरिंग द सीजन ऑफ रेसलमेनिया 23। जी हाँ, जब बॉबी लैशली का मैच था उमागा के अगेंस्ट, और यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं था, ये डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस विंस मैकमैन की स्टोरी लाइन के अंदर डाला गया था कि अगर बॉबी लैशली जीतते हैं तो विंस मैकमैन के जो है वो बाल काट दिए जाएंगे, अगर उमागा जीतते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के बाल काट दिए जाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये हेयर वर्सेस हेयर मैच था, और ऊपर से अगर इसको और स्पेशल बनाना है तो स्पेशल गेस्ट रेफरी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे। तो आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी स्टेज की किसी को जरूरत है, और वो भी रेसलमेनिया में, कि उसके करियर को कोई लाइमलाइट दे सके, कोई शाइन दे सके। और यहां पे बॉबी लैशली जो है गाइस इस मैच को जीत गए थे। उसके बाद WWE को ऐसा लग तो रहा था कि ये बंदे को हम चैंपियन बना सकते हैं, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं। और वो जो मोमेंट थी एक्चुअली में विंस और डोनाल्ड ट्रंप पे ज्यादा फोकस करी गई थी, और ये मैच जो WWE ने बनाया था उसके बारे में उन्होंने उतना नहीं सोचा कि इसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं। तो वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एक बात से मैं खुश हूं कि इतने सारे सालों के बाद एटलीस्ट बॉबी को वो मिल गया जो कि वो डिजर्व करते हैं। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे लिस्ट में आते हैं कोडी रोड्स, एक और ऐसा नाम जो कि WWE से बाहर ज्यादा सक्सेसफुल है, उस कंपनी में उतना नहीं हो पाया। और रेसलमेनिया 27 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे उनका मैच था अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, और रे मिस्टीरियो की हम बात जब भी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक वर्ड तो जरूर आता है, लेजेंड। क्योंकि जितने ज्यादा पॉपुलर वो हुए हैं अमंग द ऑडियंस, आई डोंट थिंक मास्क वाला कोई भी और सुपरस्टार कभी हुआ है या फिर हो पाएगा। और उनके अगेंस्ट विक्ट्री लेना एट रेसलमेनिया वो अपने आप में भाई एक बहुत बड़ी बात है। और कोडी रोड्स को वो मौका दिया था WWE ने, और वो मौका गाइस इसलिए भी इतना बड़ा माना जाता है क्योंकि उस पॉइंट पे कोडी रोड्स का करियर कुछ खास इतना चल नहीं रहा था। तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि फाइनली इनको रियलाइज हो गया कि कोडी बहुत कुछ कर सकता है, शायद उसके गिमिक में कुछ दिक्कत है या हम जिस तरीके से उसको बुक कर रहे हैं उसको थोड़ा अगर इंप्रूव किया जाए तो कोडी स्टार बन सकता है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से WWE ने वो मौका दिया जस्ट फॉर अ पॉप, ताकि लोग जो है वो ऐसे रिएक्ट करें कि वो बहुत बड़ा एक शॉक हो गया। लेकिन उसके बाद कोडी के करियर पे उन्होंने उतना फोकस नहीं करा, और आज हम देख रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ WWE जो अचीवमेंट्स है कोडी रोड्स की वो काफी बढ़िया भी हैं और उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है अगर हम उनके WWE के कैरेक्टर से उसको कंपेयर करें। और फाइनली गाइस नंबर 1 की हम बात करें, तो ये एक ऐसा स्टार है जिसके लिए पूरे रेसलिंग फैंस जो है हमेशा बोलते रहते हैं कि इसको एक बार तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताओ, और ये है सिजारो। सिजारो रेसलमेनिया 30 में आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में थे, और वहां पे एट द एंड उन्होंने बिग शो को एलिमिनेट करा था। बिल्कुल हल्क होगन वाली वाइब्स आ रही थी जब उन्होंने आंड्रे द जायंट को स्लैम करा था, और वही चीज दिखाई भी हमको गई थी। तो वो पॉइंट बहुत बड़ा था सिजारो के करियर में, एक बहुत बड़ी मोमेंट थी, और ऊपर से स्टेज भी रेसलमेनिया थी। तो WWE के फैंस जो है वहां से उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि सिजारो तो भाई आने वाले समय में एक बड़ा स्टार बनने वाला है, और इसके पास सारी
सारी कैपेबिलिटीज भी हैं जो एक बड़े स्टार में होनी चाहिए, लेकिन WWE ने सिजारो को हमेशा मिड कार्ड या फिर टैग टीम में रखा और उससे आगे वो कभी लेकर नहीं गए। और आई थिंक शायद इस रेसलमेनिया के बाद वो चीज चेंज हो सकती है, क्योंकि सिजारो लड़ने वाले हैं सेथ रॉलिंस के साथ, और अगर यहां पे सेथ रॉलिंस को वो हराते हैं तो बिल्कुल ये वैसी ही विक्ट्री कहलाएगी जैसी विक्ट्रीज की हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है गाइस कि सिजारो को फाइनली मौका मिलना चाहिए आफ्टर दिस रेसलमेनिया कि वो जाएं और एक्चुअली में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर करें? और अगर आपको लगता है कि ऐसे और भी नाम थे जो इस लिस्ट में आने चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट्स में बताएं गाइस, क्योंकि ये अगर मैंने 8 बताया ऐसा नहीं है कि 8 ही है, और भी डेफिनेटली हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।